नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 3 का आगाज होने वाला है। 18 जून को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कंटेस्टेंट की धुंधली झलक दिखाई दी गई। हालांकि इस प्रोमो वीडियो को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये और कोई नहीं फेमस वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित हैं। इन्होंने जॉब छोड़कर दिल्ली की सड़क पर वड़ा पाव का ठेला लगाया। एक फूड ब्लॉगर ने इनका वीडियो अपलोड कर दिया, जिससे ये रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। हालांकि खाने में स्वाद से ज्यादा ये विवाद के कारण सुर्खियों में रही और अब सीधा उठकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर चंद्रिका ने ऐसा क्या किया जिससे वो उन्हें इतने बड़े शो में बुला लिया गया। कुछ लोग इसे मेकर्स के लिए शर्म की बात बता रहे हैं, तो कई मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने वाले सेलेब्स के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं। चंद्रिका दीक्षित कौन है? अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि वो पहले हल्दीराम कंपनी में काम करती थी। पति की अनियमित काम के घंटों की नौकरी और बेटे को डेंगू होने के कारण उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली में वड़ा पाव का ठेला लगाया। फूड ब्लॉगर अमित जिंदल ने सोशल मीडिया पर उनका वीडियो शेयर किया। इसके बाद वो रातों रात फेमस हो गई। अगली सुबह उनके ठेले पर लोगों की लाइन लग गई। जैसे ही चंद्रिका फेमस हुई, विवाद भी होने लगे। उन्होंने दिल्ली नगर निगम पर रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया। कुछ अन्य वेंडर्स भी सड़क पर ठेला लगाकर उन्हें टक्कर देने लगे। इसके अलावा डॉली चाय वाला सहित कई जाने माने सोशल मीडिया स्टार्स के साथ अपना वीडियो शेयर किया। वो लगातार चर्चा में बनी रही। नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।